ऑपरेशन अलबदर के साथ दुश्मन पहाड़ की चोटियों पर कब्जा जमा चुका था। लड़ाई बेहद मुश्किल चोटियों पर थी। भारतीय सेना के लिए यह कतई आसान नहीं था कि चुटकियों में घुसपैठियों के पैर उखाड़ सके। लिहाजा युद्ध के शुरुआत में जवानों को ज्यादा बलिदान देना पड़ा। करीब दो हफ्ते गुजर चुके थे। हर बीतते दिन के साथ हमारे जवान शहीद हो रहे थे। 21 मई को जब एयरफोर्स का कैनबरा प्लेन द्रास से बटालिक तक की चोटियों की तस्वीरें लेकर श्रीनगर पहुंचा, तब जाकर यह पता लगा कि दुश्मन 150 किलोमीटर लंबे इलाके में 20 किलोमीटर तक पैर जमा चुका है। स्थिति को भांप 26 मई को रक्षा मंत्रालय में एक आपात बैठक हुई। पीएम वाजपेयी ने सेना प्रमुखों के साथ एक लंबी चौड़ी बैठक की और सेना को घुसपैठियों को खदेड़ने का आदेश दिया। सेना ने ऑपरेशन विजय के नाम से अपने अभियान का आगाज कर दिया। इसके साथ ही ऑपरेशन सफेद सागर के साथ वायुसेना ने भी कमर कस ली। इसी दिन वायुसेना ने पहला हमला बोला, लेकिन 27 मई और 28 मई को ऑपरेशन के दौरान वायुसेना को मिग 21 और मिग 27 खोने के साथ ही MI-17 हेलीकॉप्टर से भी हाथ धोना पड़ा। अपनी योजना में बदलाव लाते हुए हेलीकॉप्टर्स को तुरंत उनकी पोजीशन से हटा लिया गया और 30 मई को मिराज 2000 को युद्ध में तैनात किया गया। लेकिन जमीन पर स्थिति अलग थी। द्रास की पहाड़ियों से घुसपैठिए ताबड़तोड़ गोले दाग रहे थे। द्रास से करगिल तक लड़ाई जारी थी। जून को घुसपैठियों ने नेशनल हाईवे 1A पर ताबड़तोड़ गोले बरसाने शुरू कर दिए। दुश्मन पहाड़ी के ऊपर था, हम नीचे। जाहिर है दुश्मन बेहतर स्थिति में था और लाख कोशिशों के बाद भी कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। लेकिन विषम परिस्थितियों के बावजूद जोश, जुनून और जज्बा कायम था। दुश्मन पड़ोसी को पस्त करने की कोशिशें लगातार जारी थी। भारतीय फौज को सफलता मिलना भी शुरू हो गई थी। बटालिक सेक्टर में दो प्रमुख चोटियां भारतीय फौज ने फिर से कब्जे में ले ली थी, लेकिन द्रास की तोलोनिंग की लड़ाई अभी बाकी थी। जून 1999 भारतीय सेना ने तोलोलिंग पर धावा बोल दिया। ₹16,000 ऊंचाई और माइनस में तापमान। 12 जून की रात निर्णायक लड़ाई का वक्त आ चुका था। सूरज की पहली किरण से पहले तोलोलिंग फतेह जरूरी थी। मेजर विवेक गुप्ता ने अपने जाबाज साथी नायक गजेंद्र सिंह के साथ अदम्य साहस का परिचय देते हुए 13 जून की सुबह तोलोलिंग पर तिरंगा फहरा दिया। हालांकि इस लड़ाई में गोलियों से छलनी मेजर विवेक गुप्ता
वीर गति को प्राप्त हो गए। तोलोलिंग की जीत के साथ सेना में नई ऊर्जा का संचार हो चुका था। 20 जून को द्रास की एक और अहम चोटी पॉइंट 5140 पर भी कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी डेल्टा कंपनी ने तिरंगा फहरा दिया। 29 जून आते आते हमारे जाबाज लड़ाकों ने दो बड़ी चोटियों पॉइंट 5060 और 5100 पर भी फतह हासिल कर ली। जीत का सिलसिला जारी था। 2 और 3 जुलाई की दरमियानी रात मिशन था बटालिक की खारबार फतह का। लेफ्टिनेंट मनोज पांडे और उनके साथियों ने अदम्य साहस का परिचय दिया और जीत का एक और अध्याय लिख दिया। भारतीय फौज लगातार नुकीली चोटियों पर कब्जा करती जा रही थी, लेकिन टाइगर हिल इस पर पार पाना बेहद मुश्किल काम था, क्योंकि दुश्मन सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में इसी चोटी पर था। तीन जुलाई को टाइगर हिल को पाने के लिए सेना ने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। 132 बोफोर्स तोपों के साथ टाइगर हिल पर हमला शुरू हुआ। दुश्मन मजबूत स्थिति में था। शुरू में काफी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन जैसे ही मिराज विमानों ने दुश्मन पर लेजर गाइडेड बम बरसाने तेज किए, पहाड़ी पर हमारे जाबाजों का रास्ता साफ होने लगा। 5 जुलाई को 18,000 फीट की ऊंचाई पर मिराज 2000 खलबली मचा रहा था। बोफोर्स तोपों के तीखे प्रहार जारी थे। इस बीच हमारे 25 जाबाज टाइगर हिल पर चढ़ाई कर रहे थे, लेकिन केवल 7 जवान ही पहुंचने में कामयाब हो पाए। यहां ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव ने 15 गोलियां झेलने के बावजूद टाइगर हिल पर दुश्मन खेमे में तबाही मचा दी और पाकिस्तानी फौज को यहां से पांव पीछे खींचने को मजबूर कर दिया। टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया जा रहा था और नीचे सेना जश्न मना रही थी। इस जीत के साथ पाकिस्तानी सेना की कमर टूट चुकी थी।